तुम बाप बेटी दोनों एक जैसे हो, कभी अपने कपड़े समेट के नहीं रखते। तो अभी तक नाराज है अब्बू से? भूल गए वो हमें। सिर्फ पैसे आते हैं समय पर, लेकिन वो नहीं आते। अम्मी माफ कर देना, गलती तो इंसानों से ही होती है। माफ कर दे, हमें नहीं पता कि उनको हमारी कितनी याद आती होगी। जितनी हमें आती है उतनी आती होगी। अच्छा अम्मी ये बता, तू मुझे इस बार बर्थडे को क्या देगी? मुझे कोई सूट और सलवार कुर्ता नहीं चाहिए। मुझे पता है पिछले हफ्ते हमने शॉपिंग की थी, आई नो दैट, इसलिए कह रही हूँ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा तो और एक नई जीन्स खरीदेगी। अरे कभी तो लड़कियों की तरह रहा कर। और अगले हफ्ते आयमा की शादी है, तो उस शादी में क्या जीन्स पहनोगी? लोग क्या कहेंगे, एक तो बगैर अब्बू के। ओफो अम्मी, आप कहाँ की बात कहाँ पे पहुँचा देती हो। अच्छा अम्मी ये बता, जो मांगू वो देगी? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अम्मी। तुम्हें भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी हो गई अब तू। अब फिर शुरू हो गई व्हाट्सएप, ये फोटो और तुम्हारा वो सेल्फी भी होगा ना? अम्मी रात के 12 बजे सो जा अभी। एक नए दिन की शुरुआत हो गई। सुनते रहिए मेरे साथ। सुबह जल्दी उठना। चलो अम्मी जल्दी जल्दी। अभी हम थोड़े ही चल रहे हैं, ये सीढ़ियाँ चल रही है ना, वैसे तो इन सीढ़ियों की आदत भी नहीं। क्या अम्मी? हाँ बस पहुँच गए। देखो वही ना ट्रेन। क्या अम्मी आप ना पूरी हो गई हो। अभी आएगी ना दूसरी 5 मिनट में। क्या अभी ना। अच्छा अम्मी ये बता, आपकी और अब्बू की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी और कहाँ? कहाँ मिलना मिलना होता था, लेकिन एक बार राशिद को बोल के उन्होंने मुझे अंधेरी स्टेशन बुलाया था चुपके से, वो लोकल ट्रेन वाला है ना वहाँ पे। मैं इतना डरी हुई थी, किसी को मालूम पड़ गया तो। ओहो तो आप गए थे उनसे मिलने? पर इस स्टेशन क्या मिलने की जगह होती है क्या? किसी गार्डन में भी मिल सकते थे ना। अब ये तो तुम्हारे अब्बू ही जाने, उन्हें काम पे जाना होता था ना तो ट्रेन से मुझे मिलके वैसे ही जाते थे। चलो ट्रेन आ गई अम्मी, इस डिब्बे में चलो। Welcome to Mumbai Metro. Welcome to Mumbai Metro. अम्मी, शादी के बाद आप लोग कहाँ गए थे? पूरी मुंबई घूमे थे टैक्सी से। CST देखा, गेटवे भी देखा, बीच पे गए थे, पूरी मुंबई देखी। और क्या, फिर वही उनकी रात वाली ट्रेन से वापस अंधेरी स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन DN नगर। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम्हें शॉपिंग ही करनी थी तो अकेले चले जाते, मुझे क्यों साथ ले जा रही हो?
वैसे इतने साल हो गए अम्मी, हम लोग वापस गांव क्यों नहीं गए? अभी कहाँ, अभी कहीं जाने का मन नहीं है मेरा। सब कुछ बदल गया है, ये शहर ही इतना बदल गया है तो गांव कितना बदला होगा। यहाँ पे तुम्हारे अब्बू के आने का इंतजार तो है। आप अब्बू को कभी माफ नहीं कर सकते। एक साल बोल के गए थे कोई, अब 5 साल होने को आए। कोई इतना नजदीक तो नहीं कि कभी मेरा मन करे उन्हें देखने का तो जाके देख के आऊं। वैसे तेरे अब्बू ने क्या कम किया है हमारे लिए? जब थे तब तेरा जन्मदिन कैसे मनाते थे, हम सब मिलके केक काटते थे। और अब्बू मेरे जन्मदिन पे कितनी अच्छी बिरयानी बनाते थे। और तुम दोनों बाप बेटी मेरे नाक में दम किया करते थे। यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ क्यों बैठना है हमें? मंजरी आ रही है क्या? हाँ, और कितनी देर लगेगी पूछ तो उसे। नहीं अम्मी वैसा नहीं है, वो क्या है ना, अब सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे रुको, सिर्फ 2 मिनट, अभी आई मैं। ये तेरा हमेशा का है, उसे पहले बुला लेती तो यहाँ इतनी गर्मी। माफ नहीं करोगी अम्मी? आपने बोला था ना ये आपका गिफ्ट है, आप मना नहीं कर सकते हैं? आप दोनों बाप बेटी ना, Welcome to Mumbai Metro.